नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील ये कि सत्यहिंदी.com के साथ आपका जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है और इसकी वजह से हमें सच कहने की हिम्मत हमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में जबकि सरकार का दबाव भी बढ़ता जा रहा है और प्रेस और मीडिया अपना काम स्वतंत्रता के साथ नहीं कर पा रहा है, आपको हमारी मदद करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और हमें सहायता करेंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और सच कहने की हिम्मत भी बढ़ेगी। और अब आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज की तारीख में एक सवाल तो कई है। सवाल ये कि क्या प्रदर्शन करना संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक करने से क्या इस देश में करना अपराध हो गया है? दूसरा, क्या इस देश के अंदर पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्रवाई करती है, राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है? और क्या पुलिस की कार्रवाइयां अब विरोध की आवाज को दबाने के लिए उठती है? आप सबको याद होगा कि जब नागरिकता का कानून इस देश के अंदर लाया गया तो उसके बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, केरला में हुए और बहुत सारे इलाकों में। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग इस प्रदर्शन का एक बड़ा उदाहरण बना, जिसकी न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर काफी सराहना की गई और यह कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने की एक मिसाल है। हालांकि एक दूसरा तबका भी था जो बार बार इन प्रदर्शनों को हिंसक बताने की कोशिश कर रहा था और समाज और देश को तोड़ने वाला बताने की कोशिश कर रहा था। अब जो लोग इन प्रदर्शनों में शामिल थे उनके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिसिया कहर बरतना शुरू हो गया है। दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है देवांगना कलिता और नताशा नारवाल। ये दोनों लड़कियां, इन दोनों लड़कियों ने 2015 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था पिजड़ा तोड़। देवांगना कलिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ती है, एमफिल की छात्र है, वुमेन स्टडीज इनका सब्जेक्ट है। नताशा नारवाल पीएचडी की स्टूडेंट है, हिस्ट्री की छात्र है, ये भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। 23 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको 24 तारीख को अदालत के सामने पेश किया गया। इनको गिरफ्तार करने के समय इनके ऊपर दो धाराएं लगाई गई, एक धारा लगाई गई धारा 186 और धारा 353। धारा 186 का मतलब यह है जब आप किसी सरकारी अधिकारी को उसके काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तब आपके ऊपर यह धारा लगती है। दूसरी जो धारा 353 है, किसी भी सरकारी अधिकारी के काम करने में न केवल बाधा उत्पन्न करना बल्कि बलपूर्वक बाधा उत्पन्न करना और उस पर हमले करना, तब यह धारा लगती है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों लड़कियों को जब अदालत के सामने पेश किया गया तो अदालत ने इनको इमीडिएटली बेल दे दिया, उस पर ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जैसे ही इनको बेल मिला वैसे ही दिल्ली पुलिस की दूसरी टुकड़ी ने, स्पेशल सेल ने, इन लड़कियों को फिर गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद अब जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई वो धाराएं थी हत्या की, कोशिश की, षड्यंत्र की, दंगा करने की। यानी पहले धाराएं लगी थी कि सरकारी अधिकारी को उनके काम में बाधा पहुंचाने की और उनके ऊपर हमला करने की। अब जब अदालत से बेल मिल गई, जमानत मिल गई, वो भी फौरन मिल गई, तो पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं किसी दुर्दांत अपराधी पर लगाई जाती है, हत्या की कोशिश का, दंगा करने का और षड्यंत्र रचने का। अब इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? इस पूरे मामले में अदालत के सामने जब पहली बार लड़कियों को पेश किया गया तो अदालत ने उनको जमानत देते समय जो बात कही है वो गौरतलब है। अदालत ने क्या कहा, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा, FIR और केस फाइल से साफ लगता है कि इनके खिलाफ मामला नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अदालत के शब्द हैं। अदालत ने कहा है कि FIR और केस फाइल देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं और जो तथ्य हमें बताए गए हैं उनके मुताबिक ये जो आरोपी हैं ये सिर्फ NRC और नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, इनमें से किसी ने भी
हिंसा में हिस्सा नहीं लिया, यानी हिंसा नहीं की है या हिंसा में हिस्सा नहीं लिया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि इन लड़कियों की या जो आरोपी हैं इनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और ये बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वेल एडुकेटेड है। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा बेल देते समय कि जो ये आरोपी हैं ये पुलिस के साथ सहयोग इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त आखिरी बात कही कि इस वक्त जो महामारी है वैसे में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यानी अदालत ने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया, अदालत इस बात को लेकर कन्विंस थी, इस बात को लेकर कायल थी कि इनके खिलाफ जो मामले लगाए गए हैं दरअसल उन मामलों में कोई दम नहीं है और उनको जमानत दे दी गई। जैसे ही जमानत दी गई वैसे ही दूसरी पुलिस की टुकड़ी आती है तो दोबारा गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसी अदालत के सामने पेश करती है। अदालत पसोपेश में हो जाती है, अदालत कहती है कि भाई इन लोगों ने अपना जो आरोप लगे हैं इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट पहले वाली पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जो कोई अक्यूज्ड है उन्होंने भी इनकी तस्दीक कर ली है। तो एक तरीके से उनके कहने का मतलब था कि आप उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आपको इनको इंट्रोगेट करना है नए मामले में तो मैं आपको 15 मिनट का वक्त देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अदालत ने कहा मैं आपको 15 मिनट का वक्त देता हूं, आप इनको इंट्रोगेट कर लीजिए। 15 मिनट के बाद इन महिलाओं को दोबारा पेश किया जाता है और फिर अदालत के सामने ये प्लीट किया जाता है कि इनकी पुलिस कस्टडी हमारे लिए कितनी जरूरी है। जरूरी है पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कि और उन लोगों की पहचान करने के लिए जो षड्यंत्र में शामिल थे। अदालत उनकी तरफ देखती है और सिर्फ 2 दिन की पुलिस कस्टडी उनको देती है। यानी यह बात स्पष्ट है कि अदालत के मन में कहीं ना कहीं जो पुलिस की दी हुई जो दलील है वो उसके गले नहीं उतरती। अगर गले उतरती होती तो पहली ही बार जब उनको पेश किया गया था तो उनको जमानत नहीं मिलती और अदालत ये नहीं कहती कि ये महज नागरिकता कानून और NRC के विरोध प्रदर्शन में शामिल थी, हिंसा में इनके शामिल होने का कोई तथ्य मेरे सामने नहीं आया है। ये कोई पहला मामला नहीं है इस पूरे वाकये से। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पुलिस या तो किसी दबाव में काम कर रही है या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है या फिर उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है जो आज भी विरोध की आवाज बनकर सड़कों पर उतरने की हिम्मत कर रहे हैं, या ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर भविष्य में सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसके साथ यही हस्य होगा, अन्यथा जाफराबाद की पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको जमानत मिलती है और उसी समय वहां पर स्पेशल सेल मौजूद हो जाती है और वो दोबारा गिरफ्तार कर लेती है और हत्या जैसे संगीन अपराध की धाराएं लगाकर अदालत के सामने पेश करती है। अब मैं आप बता दूं इसी तरीके ये पुलिस का रवैया कैसा है। पिछले दिनों सफूरा जरगर नाम की एक लड़की को गिरफ्तार किया गया। कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर कहीं किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो निश्चित तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन सफूरा जरगर की खास बात यह है कि उसको UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया, यानी जो ऐसा कानून है जो दरअसल आप कह सकते हैं कि आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है जिसमें फौरन जमानत नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि सफूरा जरगर को जब गिरफ्तार किया गया तो 13 महीने प्रेग्नेंट थी, यानी गर्भवती थी, उनके गर्भ में बच्चा था। क्या कोई पुलिस किसी गर्भवती महिला के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगा के उनको गिरफ्तार कर सकती है ऐसे समय में जबकि कोरोना का इन्फेक्शन चारों तरफ फैला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जेलों के अंदर बंद अपराधियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं ताकि ऐसा ना हो कि सब कोरोना के प्रभाव में ना आए। ऐसे वक्त में सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया। सफूरा जरगर का कितना इन्वॉल्वमेंट है कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन वो भी पढ़ी लिखी महिला है, समझदार महिला है और जो शाहीन बाग के अंदर जो आंदोलन चल रहा था निश्चित तौर पर उनमें से जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनमें से एक थी।
आउटस्पोकन है, लेकिन क्या उनका कोई रिकॉर्ड है दंगों में शामिल होने का? क्या उनका कोई रिकॉर्ड है इतना जघन्य अपराध करने का कि उनके खिलाफ यूएपीए के की धाराएं लगा दी जाए? ये सवाल है जिन सवाल पे चर्चा करनी चाहिए। और ये सारी बातें मैं मान लेता अगर दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड क्लीन होता या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़े होते। पिछले 5 सालों में, बल्कि मैं कह सकता हूं 6 सालों के अंदर, दिल्ली पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो किसी भी पेशेवर पुलिस को उस पर जो है गर्व नहीं हो सकता है। और इसकी शुरुआत अगर हम कन्हैया के मामले से शुरू करें तो बेहतर होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र कन्हैया, वहां के उनके ऊपर आरोप लगे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल है, कश्मीरियों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करने के नारे उन्होंने लगाए हैं, तमाम बातें हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी अदालत के अंदर उनकी पिटाई हुई, सारी बातें हुई। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि 3.5 साल लग गए दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए, और जब चार्जशीट भी दाखिल की तो दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन लिए वो पहुंच गया अदालत के सामने, अदालत से उनको फटकार मिली। अगर कन्हैया के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे जैसा दिल्ली पुलिस और देश के गृहमंत्री दावा कर रहे थे, तो फिर 3.5 साल क्यों लग गए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में? पहला। दूसरी बात, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र जो थे वहां किस तरीके से 2 छात्रों के बीच में जम के पिटाई हुई, मारपीट हुई, और एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, दूसरे से तीसरे हॉस्टल, 60-70 नकाबपोश छात्रों को जम के पीटा। दिल्ली पुलिस बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़ी रही, अंदर नहीं गई, और जो हॉस्टल के जो कैंपस के अंदर पुलिस थी वो भी हॉस्टल के बाहर खड़ी रही, उसने इंटरवीन करना मुनासिब नहीं समझा। इतना ही नहीं, जब हमला करने वाले छात्रों की पहचान हुई, इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में पहचान हुई, तो उसके बाद भी किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जिनकी पहचान हुई थी वो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बताए जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल स्पष्ट था कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट उस हमले में था, लेकिन इस मामले में जो FIR दर्ज की गई वो लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन है उनके अधिकारियों के खिलाफ या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने अभी तक कपिल मिश्रा के खिलाफ और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की है, जबकि कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप है कि उनकी वजह से जाफराबाद में वो गए थे और उनकी वजह से वहां पर दंगा फैला, और अनुराग ठाकुर ने खुलेआम लोगों को दंगा भड़काने के लिए, हिंसा करने के लिए, गोली मारने के लिए लोगों को उकसाया। दोनों के वीडियो उपलब्ध हैं, उसके बाद नहीं हुआ। और आपको याद दिला दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों मामलों का कॉग्निजेंस लिया था, जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर इस पे FIR दर्ज की जानी चाहिए। यह अलग मसला है कि उसी दिन देर रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया चंडीगढ़, और उसके बाद जो दूसरी बेंच बैठी उसने 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीना होने के बाद भी इस मामले में क्या हुआ, FIR दर्ज कम से कम नहीं हुई है। यह दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा हुआ तो 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने दंगों को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरीके का रेनफोर्समेंट नहीं भेजा, और इसकी वजह से दिल्ली पुलिस की पूरी दुनिया में जम के थूथू हुई और उनकी तीखी आलोचना की। और एक तथ्य मैं और आपको बता दूं कि उसी दौरान जामिया के स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था, तो आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी दिल्ली पुलिस की, जो लाइब्रेरी के अंदर जाके बुरी तरीके से छात्रों को पीटते हुए तस्वीरें दिखाई पड़ी थी, और वहां पे CCTV कैमरे को भी तोड़ते हुए दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई पड़े थे। एक बात और वो ये है कि जिन तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर यह आरोप लगा कि उनकी वजह से देश के अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैला और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, इसी दिल्ली पुलिस ने 28 मार्च तक उनको निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। पहली बात तो ऐसी किसी की कांग्रीगेशन की या ऐसे किसी गेट टुगेदर की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, तो अगर वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस की परमिशन से इकट्ठा हुए। मरकज जो है उसके बगल में वहां पे पुलिस का थाना है, तो ये बात
समझ के परे है कि जब पुलिस की जानकारी में सारी बातें थी तो पुलिस ने इंटरव्यू क्यों नहीं किया जब देश के अंदर लॉकडाउन हो गया, कोरोना का संक्रमण फैला। खैर ये इस बात को भी छोड़ दीजिए, मोहम्मद साद जो तबलीगी जमात के नेता हैं अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, और रोज अखबारों के अंदर और टीवी चैनल्स में खबरें प्लांट होती रहती हैं, इनको नोटिस भेजा गया है, इनको इनको ये किया गया है, इनको वो किया गया है। सबको मालूम है कि मोहम्मद साद कहाँ रहते हैं, मोहम्मद साद के सरकार के साथ क्या रिश्ते हैं। तो और अंत में जो बात शायद नहीं कहनी चाहिए वो ये कि दिल्ली पुलिस को याद दिलाने की जरूरत है कि उनकी पुलिस के अधिकारियों के ऊपर उनके अपने फोर्स का कितना भरोसा है, कि पिछले साल लोगों ने देखा कि कांस्टेबल्स ने, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अपने ही पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की और बगावत की और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना दे दिया। अब आप इसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह किसी प्रोफेशनल पुलिस का कंडक्ट है। अगर पुलिस प्रोफेशनल है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि दंगा हिंदू ने किया या मुसलमान ने किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया या लेफ्ट संबंधित संगठन के लोगों ने किया। जिनका अपराध है उनका अपराध, उनको गिरफ्तार करिए और उनको जेल में डालिए। आपको लगता है, अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, अगर सरकार को लगता है कि देवांगना कलिता और नारवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो फिर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल बहुत स्पष्ट है कि जरूर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होके ये केसेस किए जा रहे हैं, अन्यथा अदालत के संकोच के बाद भी इतनी गंभीर धाराएं लगाकर उनकी पुलिस कस्टडी मांगना समझ के परे है। अब आप ये इस बात को तय करें कि क्या इस देश के अंदर धरना प्रदर्शन करना, संविधान के मुताबिक करना, शांतिपूर्वक तरीके से करना, क्या आप उस पर पाबंदी लग गई हो, अगर आप करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे, क्या आप दिल्ली पुलिस पर या देश की पुलिस पर आप यकीन कर सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई नहीं कर रही है, और क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।